हल्के संभली महेश्वरम जलपल्ली म्यूनसिपल्टी के इलाके वादी मुस्तफ़ा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से पीने के पानी की खिल्लत से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस एमपीटीसी शेख अफजल ने रियल चैनल से बात करते हुए इस बात की शिकायत की है कि आए दिन मकीनों को पीने के पानी की शदीद किल्लत से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एक हफ्ते से इलाके वादी मुस्तफ़ा में पीने के पानी की अदम सरबराही से लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि मुतालिका हुकाम ने रमज़ान की आमद से कबल जलपली म्यूनसिपाल्टी में हर मुमकिन सहूलियात को यकीनी बनाने का यकीन दिलाया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से हुकाम की लापरवाही और मुस्लिम इलाकों में सौतेला सलूक रवा रखा जा रहा है। चुनाचे मकामी आवाम ने हुकाम से अपील की है कि वो मस्कुरा इलाके में पीने के पानी के मसले को फौरी हल करें या फिर टैंकर्स की सरबराही को यकीनी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग ज़रा बराए मेहरबानी आइए, आकर देखिए बहुत गंदगी हो गई है। अगर ये मेन हॉलों का तो हो गया, थोड़ा सा ये गंदगी का भी हो गया तो अच्छा, मेहरबानी हो जाती है आप लोगों की। आइए प्लीज़, पैसा भी करिए आप लोग, हम ना रोज़दारा हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी गंदगी हो गई हद से ज़्यादा। आप आइए पैसा भी करके, पानी का इंतज़ाम भी करिए, पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन फूट गई पूरा डेनिश लाइन के उसके हस्ते आए थे बुलडोज़र हम, तो उसके वजह से फूट गया। आके कैसा भी करिए आप, देखिए रमज़ान रमज़ान का महीना है, मेहरबानी हो जाती है आप लोगों की। साबिर अली कमिश्नर साहब, काम कब रुका हुआ ये डेनिश का? ये रुक के भी तीन महीने हो रहा, मैंने सब आके 3 महीने हो रहा, उनको आइए बोलिए कैसा भी करिए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अफजल एमपीटीसी वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली म्यूनसिपल। आज हमारे बस्ती में आवाम ने पूरी चौतरफ के आवाम ने आवाज़ करके चौतरफ से फोना करने से मैं आज आके देखा पूरी बस्ती में 8-8 दिन से पानी नहीं आ रहा, यहाँ पर बोरा ग्राउंड वॉल कम हो जाने से पानी न रहने से 8-8 दिन से परेशान है आदमियाँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है, रमज़ान में रोज़दारा रहते। हमारे साबिर अली साहब बोले माशा अपने समर प्लानिंग करे, बोले टैंकर हम बोले आज तक एक टैंकर भी नहीं आई, बड़ा मेहरबानी टैंकर भेजो, मगर टैंकर से अच्छा हमारे को नलों में पानी भेजे तो बड़ा मेहरबानी होती, क्योंकि गुज़िश्ता 2 महीने पहले कृष्णा वाटर जैसा कि अपने पानी की टैंकी रिजर्वर तैयार हुए तक एक टेम्परवरी एक लाइन डाल के मीठे पानी की लाइन क्वांटिटी बढ़ाएंगे बोल के जिक्र करे थे हमारे साबिर अली कमिश्नर साहब, बड़ा मेहरबानी होती, क्योंकि हमारे एमएलए साहब न रहने से इनाग्रेशन नहीं हुआ बोल रहे, उसको जल्द से जल्द उसको क्वांटिटी बढ़ा के इनाग्रेशन करके हमारे बस्ती में एक मीठा पानी ज़्यादा से ज़्यादा छोड़े तो बड़ा मेहरबानी होती, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आवाम को पानी से बहुत तकलीफ़ हो रही, परेशान है हमारे एरिया एमएलए कमिश्नर साहब को 2 महीने से टाइम नहीं मिल रहा है, एक आके एक वाल खोल के जाने के वास्ते, क्योंकि लाइन पूरी मिली भी है, उनको भी एक हमारी एक गुजारिश है, क्योंकि हमारे मुसलमान के एरिया में रमज़ान का महीना बहुत बड़ा बहुत कीमती महीना बोलते हैं, यहाँ पर हमारे माँ बहन रोज़दारा रहते, पानी के टैंकरों से आके पोटले उठा के पानी डालना बड़ी मुश्किल हो जाती, इसलिए हमारी ये गुजारिश है। और वैसे ये डेनिश लाइन का काम हुआ, 3 महीने से काम चल रहा, ये अपने 14 फाइनेंस उसका भी काम अधूरा आ रहा, 1 महीने 2 महीने करते हुए आ रहे, और वाटर लाइनिंग भी फोड़ दिए वहाँ से भी, उसके वजह से भी हमारे बस्ती में आवाम को तकलीफ़ हो रही है, बड़ा मेहरबानी कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसको जरा जल्द से जल्द बोल के एक काम जल्द से जल्द काम कराइए बोल के एक हमारी गुजारिश है, इसी बात पर अल्लाह हाफिज़।